हेलो एवरीवन, हरीनास कुकिंग लैब में आप सबका स्वागत है। आज हम स्टफ्ड खिचू बॉल बनाएंगे। सिंपल जो खिचू की रेसिपी होती है, आज उसको हम नया लुक देंगे। इस रेसिपी को आप स्टार्टर के तौर पे भी रख सकते हैं, या फिर पहले से प्रिपरेशन करके आप इसे किटी पार्टी में भी सर्व कर सकते हैं। अगर डिनर में भी आप कुछ लाइट बनाना चाहते हैं तो ये बहुत ही सिंपल रेसिपी है। अगर आपके घर में बच्चे खिचू खाने से कतराते हैं तो ये रेसिपी ट्राई कीजिए। ये खाने के बाद वो कभी भी खिचू खाने के लिए मना नहीं करेंगे। तो चलिए आज के स्टफ्ड खिचू बॉल की रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले एक बर्तन में हम पानी गर्म रखेंगे। मेजरमेंट के लिए घर में से कोई भी एक बाउल ले लीजिए। उस बाउल से नाप के इसमें 3 बाउल पानी डालना है। अब इसे ढक के जब तक ये उबले नहीं तब तक गर्म करेंगे। देखिए पानी गर्म हो गया है, इसमें थोड़े बहुत बुलबुले भी होने लगे हैं। अब हम इसमें मसाले करेंगे, जिसमें 1/2 टीस्पून अजवाइन डालेंगे। अजवाइन को इस तरह से दोनों हाथ से मसल के डालेंगे। 1/2 टीस्पून सीका हुआ जीरा पाउडर डालेंगे। अगर आपके पास सीका हुआ जीरा नहीं है तो नॉर्मल वाला डाल दीजिए। 1/2 टीस्पून तेल डालेंगे। 2 चॉप की हुई हरी मिर्च डालेंगे। 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा, स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे। अब इन सारे मसालों को पानी में एक बार अच्छे से हिला के इसमें 1 उबाल आने देंगे। देखिए इस तरह से पानी अच्छे से उबल जाए। अब हम इसमें जिस बाउल से पानी लिया था उसी बाउल से नाप के चावल का आटा डालेंगे। 3 बाउल पानी ले रहे हैं तो उससे आधा यानी कि 1.5 बाउल चावल का आटा लेना है। यहाँ आप जो भी बाउल का नाप ले रहे हैं बस इतना ध्यान रखिए कि जितना पानी ले रहे हैं उससे आधा हमको आटा लेना है। और चावल का आटा जो मैंने वीडियो में दिखाया है ऐसे एकदम बारीक वाला लेना है। पानी में आटे को डाल के ही आपको तुरंत फ्लेम को बंद कर देना है और उसके बाद ही इस तरह से पानी में आटे को अच्छे से मिक्स करना है। यहाँ पे आटे को पानी में मिक्स करते वक्त बहुत खास ध्यान रखें कि एकदम अच्छे से मिक्स कीजिए ताकि इसमें बिल्कुल भी लम्स ना रहे। अगर थोड़े बहुत भी लम्स रहेंगे तो वो ठंडे होने के बाद लम्स टूटेंगे नहीं और आपके जो खिचू के बॉल है वो प्रॉपर नहीं बनेंगे। देखिए आटा अच्छे से मिक्स हो गया है। अब हम इसे 10 से 15 मिनट के लिए हल्का सा ठंडा होने देंगे। तब तक हम स्टफिंग तैयार कर लेंगे। स्टफिंग बनाने के लिए मैंने यहाँ पे एक कच्चा केला बॉईल करके लिया हुआ है। इस तरह से एकदम मैश करके लेना है और रूम टेम्परेचर वाला लीजिए ताकि इसमें लम्स ना रहे। अब इसमें स्वाद अनुसार नमक, 1/2 टीस्पून गरम मसाला, 2 हरी मिर्च चॉप की हुई, 1/2 टीस्पून चाट मसाला, 1/2 टीस्पून अमचूर पाउडर, 1/4 टीस्पून हल्दी और थोड़ा सा चॉप किया हुआ हरा धनिया डाल देंगे वॉश करके। अब इन सारे मसाले को कच्चे केले में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी रेसिपीज पसंद आ रही है और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर क्लिक कीजिए। अगर आप बेल आइकन को क्लिक करेंगे तो ही मेरी आने वाली नई रेसिपी की नोटिफिकेशन आपको मिलेगी, इसलिए बेल आइकन को जरूर क्लिक कीजिए। और हाँ, आगे आप मेरे चैनल पे कौन सी रेसिपी देखना चाहते हैं वो मुझे YouTube में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, मैं जल्द ही लेके आऊँगी। देखिए स्टफिंग अच्छे से तैयार हो गया है। इस तरह का बिल्कुल लम्स बिना का हमको स्टफिंग तैयार करना है। अब इसमें से एकदम छोटी छोटी गोलियाँ तैयार कर लेंगे। देखिए इस साइज की एकदम छोटी छोटी गोली तैयार करेंगे। देखिए स्टफिंग में से इस तरह की गोली तैयार कर ली है। अब हम किचू के बॉल को जिसमें स्टीम करने रखने वाले हैं उसको इस तरह से थोड़ा सा तेल से चिकना कर लेंगे ताकि इसमें किचू के बॉल है वो चिपके नहीं नीचे से। जो गरम किचू था उसको 10 से 15 मिनट के बाद इस तरह से एक प्लेट में ले लेंगे और हाथ को इस तरह से चिकना करके थोड़ा सा इसमें से किचू लेंगे हाथ में। उसको हथेली में लेके इस तरह से उंगली से थोड़ा सा चौड़ा करेंगे और जो हमने स्टफिंग का बॉल तैयार किया था उसको इसमें रखेंगे। स्टफिंग के बॉल को इस तरह से रख के ऊपर से इसे खिचू से इस तरह से कवर करना है और इस तरह से हम खिचू के स्टफिंग वाले बॉल तैयार करेंगे। देखिए इस तरह से हल्के हाथों से इसे दोनों हथेली से गोल गोल घुमा के अच्छा सा गोल शेप दे देंगे।
बस इसी तरह से सारे बॉल तैयार करने हैं। लीजिए मैं आपको एक और बॉल तैयार करके दिखाती हूँ। इस तरह से हाथ को चिकना करके थोड़ा सा खींचो, इस तरह से हाथ में लेना है और स्टफिंग का बॉल इस तरह से रख के ऊपर से इसे कवर करके खींचू के बॉल को बंद करना है और इस तरह से हल्के हाथों से इसे गोल शेप दे देना है। इसी तरह से सारे खींचू के बॉल तैयार कर लेंगे। देखिए सारे स्टफिंग वाले खींचू बॉल यहाँ तैयार कर लिए हैं और थोड़ा सा जो खींचू बच गया था उसके इस तरह से नॉर्मल वाले बॉल तैयार किए हैं। इसमें भी हम तड़का लगाएंगे, पर इसको पहले हम स्टीम करेंगे। अब जो हमने स्टील की जाली में तेल लगाया था उसमें सारे स्टफिंग वाले बॉल और जो नॉर्मल वाले खींचू के बॉल हमने बनाए हैं वो सारे इस तरह से सेट कर लेंगे। इडली स्टीमर में मैंने 4 से 5 ग्लास हाई फ्लेम पे पानी गर्म रख दिया था। अब हम इसमें खींचू के बॉल वाली जो जाली है उसको इस तरह से सेट करेंगे और इसे ढक के कम 7 से 8 मिनट के लिए स्टीम होने देंगे। 8 मिनट के बाद खींचू बॉल को चेक करेंगे। देखिए ये अच्छे से स्टीम हो गया है। अब हम इसे कम से कम 10 से 15 मिनट के लिए ठंडा होने देंगे। स्टफिंग वाले खींचू बॉल को हम तड़का लगाएंगे, जिसके लिए एक पैन में इस तरह से 2 टेबल स्पून ऑयल गरम रखेंगे। खींचू बॉल को हल्का सा ठंडा होने के बाद ही इसमें तड़का लगाइए, वरना वो टूट जाएंगे। 1/2 टीस्पून राई डालेंगे, 1/2 टीस्पून जीरा डाल देंगे इसमें। राई जीरा अच्छे से तड़क जाए अब हम इसमें 1 टीस्पून तिल डाल देंगे, 1/4 टीस्पून इसमें हल्दी डालेंगे, 1 टीस्पून इसमें रेड चिली पाउडर डालेंगे। रेड चिली पाउडर डाल के तुरंत ही फ्लेम को बंद कर देना है और इस सारे मसाले को अच्छे से तेल में मिक्स करके अब इसमें खींचू के बॉल जो स्टफिंग वाले है वो डाल देंगे। स्टफिंग वाले खींचू बॉल को इसमें डाल के बहुत ही हल्के हाथों से हिलाना है। ऊपर से इस तरह से थोड़ा सा हरा धनिया डालेंगे और इस तरह से बिल्कुल हल्के हाथों से इसे मिक्स कर लेंगे। अब उसी पैन में 1 टेबलस्पून ऑयल वापस गरम रखेंगे। उसी तरह से 1/2 टीस्पून राई डालेंगे, 1/2 टीस्पून जीरा डालेंगे। राई जीरा का तड़का आ जाए अब हम इसमें 1/2 टीस्पून तिल डालेंगे, 1/4 टीस्पून हल्दी, 1/2 टीस्पून रेड चिली पाउडर डाल के जो नॉर्मल वाले बॉल है खींचू के वो डाल देंगे। उससे पहले हम फ्लेम को बंद कर देंगे। तो लीजिए हमारे स्टफिंग वाले और नॉर्मल दोनों खींचू बॉल तैयार है खाने के लिए। है ना फ्रेंड्स, एकदम इजी और यूनिक रेसिपी। ये रेसिपी मुझे मेरी फ्रेंड ने सजेस्ट की थी और मुझे ये बहुत ही पसंद आई, तो सोचा क्यों ना आपसे शेयर की जाए। अगर इस रेसिपी को आप डाइट के तौर पे फॉलो करना चाहते हैं तो लास्ट में जो हमने तड़का लगाया वो नहीं लगाएंगे और ऐसे ही आप स्टफिंग बॉल खाएंगे तो भी ये बहुत ही टेस्टी लगते हैं। इस खींचू स्टफिंग बॉल को आप ग्रीन चटनी और केचप के साथ सर्व कर सकते हैं। इसे आप मसाला दही या तो फिर अमचूर की चटनी के साथ भी सर्व कर सकते हैं, उसके साथ भी बहुत ही टेस्टी लगेंगे। देखिए मैं तोड़ के दिखाती हूँ, है ना एकदम परफेक्ट और लग रहा है ना एकदम टेस्टी। तो आज की ये स्टफिंग खींचू बॉल की रेसिपी आपको कैसी लगी मुझे यूट्यूब में कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और ये रेसिपी और वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करके शेयर कीजिए।